नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं फिर से अपने लेथ मशीन के ऊपर एक टॉपिक है अपने, आज है छोटा सा वीडियो होने वाला है, बिल्कुल स्किप ना करिएगा आप, मैं पहले बता देता हूँ आपको, क्योंकि स्किप करने से आप जो मेन चीज़ है वो छोड़ देते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लर्निंग, ठीक है। लर्निंग कैसे करते हैं, जैसे कई चीज़ें आपने देखा होगा कि लोहे के ऊपर दाना दाना सा निकला रहता है या गोटियाँ गोटियाँ सी निकली रहती है, छोटी छोटी बिल्कुल बारीक सी, तो कैसे होता है, आज उसी को देखेंगे और आपको करके भी दिखाएंगे, डाल के भी दिखाएंगे कैसा होगा। आइए चलते हैं सीधा लेथ मशीन। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने लेथ मशीन के ऊपर। आप देखेंगे मैंने एक लोहा का टुकड़ा बांधा हुआ है, यहाँ पर आप देख लीजिए समथिंग ये 50 के डाय में है, कोई इशू नहीं, हमें लर्निंग करना है, इसका साइज़ का कोई मैटर नहीं करता है। तो जैसे कि आप जहाँ बना रहे होंगे वहाँ पे तो बिल्कुल साइज मैटर करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मेरे लिए भी कोई साइज मैटर नहीं करता है। मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ कि वो चीज़ है क्या, ठीक है। तो पहले हम थोड़ा सा इसे टर्निंग करेंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़ है क्या जिसे लर्निंग आएगी। तो आप देख पा रहे हैं मैं इसको टर्निंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा टर्निंग करके मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर लर्निंग आएगी कैसे। तो फाइनली दोस्तों आप देखिए, जैसे मेरा ये हैंडल है, हैंडल के ऊपर देखिए ये लर्निंग से डाला हुआ है, तो ये चीज़ कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ, किस चीज़ से आएगा और कैसे आएगा ऊपर के भी दिखाता हूँ आपको। आप देखिए मेरे हाथ में ये लर्नर मैंने ले रखा है, इसके वजह से ही आएगा, देख रहे होंगे आप यहाँ पर, ये देखिए ये घूम रहा है और ये सेकेंड वाला भी देखिए ये घूम रहा है, ठीक है। इन दोनों के वजह से ही उसके ऊपर लर्निंग आता है और ये लर्नर समझ लीजिए टूल है, बिट है आपका काम। तो फ्रेंड आप देखिए, ये मैंने टूल पोस्ट में मैंने इसको बांध दिया और देखिए इसके अंदर मूवमेंट है, ठीक है, इसके अंदर मूवमेंट है, आप क्लियर देख पा रहे हो, ठीक है। और ये इसके इसमें भी मूवमेंट है और नीचे वाले में भी, और ये भी मूवमेंट कर रहा है। अब इसको आपको जहाँ लगाना होगा तो आप इसको ले आके ऐसे जो आपने टर्निंग किया है इसके ऊपर आप इसको लगा दें, ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल है। इसके ऊपर ऐसे आपको टच करना है, ये देखिए ऐसे मैंने पीछे किया और ऐसे फिर से आप इसको इसमें टच करें, ठीक है। और जब इसमें टच हो जाए तो फिर आपको मशीन चलाना है, ठीक है। तब मशीन ऑन करते हैं, ऑन ये किया मैंने मशीन, और इसके ऊपर हल्का हल्का प्रेशर करना है, ठीक है, आपको हल्का हल्का बिल्कुल प्रेस करिए आप। जब आप हल्का हल्का प्रेस करिएगा तो इसके ऊपर ये जो लर्निंग है वो आएगी। बिल्कुल ही क्लियर मैं आपको दिखाऊंगा आज, यहाँ पे बने रहिए। फाइनली दोस्तों देखिए ये मेरा फाइनल चल रहा है, यहाँ से और यहाँ तक लगभग 1 इंची के लंबे में मैंने इसमें लर्निंग दाने डाल दिए हैं और आपको अब बिल्कुल ही क्लियर यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये देखिए आप बिल्कुल नज़दीक से देखिए, आपको दिख पा रहा होगा कितना बेहतरीन इसमें डल चुका है। तो ये जो दाने दाने से डले हुए हैं, ये जो आप लर्निंग देख रहे हैं, ये लर्निंग इस टूल की मदद से, मैंने आपको जो टूल दिखाया इस टूल की मदद से इस पर मैंने लर्निंग बहुत ही आसानी से कर दिया। तो आपके ऊपर जब साफ्ट बनता हो तो उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं, या और भी चीज़ है तो आप उसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये जो आपने क्लियर देखा कि मैंने एक लर्निंग टूल से बहुत ही आसानी से, आप ये देख लीजिए कि आपको कितना डाया चीज़ के लर्निंग करने के बाद इसका डाया मोटा होता है, फूलता है, तो कितना फूलेगा और कितना आपको साइज रखना है आप अपने हिसाब से देख के, मैंने आपको एक तरीका बताया, इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल ही पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि कोई भी वीडियो बने आप तक ज़रूर पहुँचे। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।